डियर स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास जो हरियाणा बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको कराने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनको याद भी रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वेयर 30 प्लस कॉस स्क्वेयर 30 का मान है ए 0 डिग्री, बी 1, सी -1, डी 2 कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन इसका बी होगा, एक आंसर होगा इसका, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 6 sec स्क्वेयर थीटा माइनस 6 tan स्क्वेयर थीटा बराबर है ए 1, बी -6, सी 6 और डी 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि अगर हम यहां से 6 कॉमन लेते हैं तो ये sec स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा और ये 1 के बराबर होता है, और 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 6, तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें 10 स्क्वेयर थीटा बराबर --- -1। इसका ऑप्शन ए कॉट स्क्वेयर थीटा, बी सेक स्क्वेयर थीटा, सी कोसेक स्क्वेयर थीटा, डी कॉस स्क्वेयर थीटा। तो इसका आंसर होगा sec स्क्वेयर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि sec स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां 10 स्क्वेयर थीटा दे रखा है और --- -1, तो ये इधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा ये sec स्क्वेयर थीटा और ये आ जाएगा 10 स्क्वेयर थीटा बराबर sec स्क्वेयर थीटा -1। ये इसका आंसर होगा sec स्क्वेयर थीटा। फोर्थ क्वेश्चन, cos थीटा * sec थीटा बराबर है a -1, b 1, सी 0, डी 2 cos थीटा। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन 1, क्योंकि cos थीटा गुना में sec थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा के, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। पांचवा क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा का मान बताएं। तो यहां पर ऑप्शन ए 13/12, बी 5/12, सी 5/13, डी 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5/13। आप ये निकाल के देख लेना, समकोण त्रिभुज बनाना और उसकी लंब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालना, और उसके बाद कॉस की वैल्यू बेस बटे हाइपोटेन्यूज होती है उसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान भरें कोसेक स्क्वेयर थीटा बराबर खाली स्थान प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। इसका आंसर ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है, और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वेयर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन, यदि टेन ए बराबर 5/12 है तो कॉस ए का मान है ए 5/13, बी 12/5, सी 13/5, डी 12/13। तो इसका आंसर 12/13 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इजी है, आप कर सकते हैं आराम से। वही समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसका इसकी सहायता से हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस निकालेंगे, और फिर टेन साइन की वैल्यू रखेंगे हम, कॉस की वैल्यू रखेंगे, कॉस होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो उसकी वैल्यू निकाल कर आपका आंसर ये आएगा। आठवां क्वेश्चन, 2 tan 30/1 + tan² 30 का मान है ए sin 60, बी cos 60, सी tan 60, डी cot 60। तो इसका आंसर sin 60 होगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, tan 45° -sin 45° का मान होगा ए 1, बी -1, सी 0 और डी 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sin की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0।
टेंथ क्वेश्चन, 1 - 10² = 45 का मान है ए 1, बी माइनस 1, सी 0, डी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 - 10² = 45 = 1 - 1, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, 1045 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन आपके इसके थे, आपने इनको अच्छी तरह सुना समझा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। आप इनको उतार लीजिए।